हेलो दोस्तों, आज मैंने फ्रूट कस्टर्ड बनाया है। गर्मियों में ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड खाना सभी को बहुत पसंद होता है, ये बच्चों के लिए बहुत हेल्थी होता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने 1 किलो के दूध लिया है, जिसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें मैंने इलायची और थोड़े से केसर के दाने डाले हैं। जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है, एक तरफ हम कस्टर्ड को घोल लेते हैं। उसके लिए 1 किलो दूध में मैंने 4 चम्मच कस्टर्ड यूज़ किया है, कस्टर्ड पाउडर। अब इसमें हम ठंडा दूध डालेंगे और इसको अच्छे से हम इसका अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसको अच्छे से घोलेंगे, ये देखिए, इसको अच्छे से हम घोलेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे बिल्कुल भी। ये देखिए कितने बढ़िया से घुल गया है सारा। एक तरफ हमारा दूध भी गर्म हो गया है, बॉईल हो गया है, इसको हल्का सा हम नॉर्मल कर लेंगे। फिर हम इसमें कस्टर्ड मिलाएंगे जो हमने तैयार किया है। देखिए हमारा दूध है जो नॉर्मल हो गया है, और जो कस्टर्ड हमने तैयार किया, पाउडर हमने घोल तैयार किया कस्टर्ड पाउडर का, उसको थोड़ा थोड़ा करके हम दूध में मिक्स करेंगे और चलाते रहेंगे इसको, ताकि जो कस्टर्ड है और दूध है वो नीचे ना लगे। इसको हम ऐसे हिलाते रहेंगे, इसको जब तक हमें पकाना है, जब तक कि हमारा जो ये कस्टर्ड है वो गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए धीरे धीरे गाढ़ा होने लग गया है। अब हम इसमें 1 कटोरी चीनी डालेंगे। मैंने इसमें 1 कटोरी चीनी यूज़ की है, आप चाहे तो ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसको हमें चलाते रहना है और इसको हमें धीमी आंच पर पकाना है। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको एक कांच के बाउल में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये मैंने कुछ फ्रूट्स कट किए हैं, अंगूर, अनार, सेब, केला और आम। आप अपने पसंद के कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। आप इसमें चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, बादाम, किशमिश, कुछ भी। तो ये देखिए हमारा जो कस्टर्ड हमने रखा था वो ठंडा हो गया है। अब हम इसमें फ्रूट मिलाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया कस्टर्ड बनकर तैयार हुआ है। इसको ऊपर से गार्निश करेंगे। ये मैंने बादाम लिए थे दो दो तीन, इसको लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। 2-3 इसमें किशमिश डालेंगे और 3 से 4 दाने मैंने इसके ऊपर से केसर के डाले हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। गर्मियों में आप भी इसको ट्राई कीजिए, ये बहुत ही हेल्थी होता है। और बच्चे, अगर आपके बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते तो ऐसे भी खा लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इसके ऊपर से हम कुछ अनार के दाने डालेंगे, इसे आप ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। थैंक यू।